अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के अंतर्गत आज माहिष्मती सर्वांगीण विकास समिति मंडला की महिला साथियों द्वारा एसडीओपी मंडला को महिला सुरक्षा के संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें आग्रह किया गया कि बीते दिनों जिस तरह से अमानवीय घटना हैदराबाद में सामने आई है उसे देखते हुए मंडला शहर के सब जन आक्रोशित है। साथ ही यहाँ महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कुछ कदम उठाए जाने को लेकर सभी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। महिष्मती सर्वांगीण विकास समिति के सदस्य हैं और हम लोग प्रतिवर्ष 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा चलाते हैं। उसमें हम लोग बहुत तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम लोग महिला क्रिकेट भी करवाते हैं लोगों को संदेश देने के लिए। ये ज्ञापन हमने आपको इसलिए दिया सर, क्योंकि जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं 10:30 बजे तो चौराहे में, गुमटियों में, पान के ठेलों में या नुक्कड़ से रोडों में जो मनचले से लड़के हों वो खड़े रहते हैं, तो लड़कियों को छेड़ते हैं, टंटिंग करना, परेशान करना, पत्थर मारना, इस तरह से या पीछा करना, ये काफ़ी समय से वो लोग करते हैं। तो समय से जब आता है जब ऐसे जब लोग जागरूक होते हैं तो बंद कर देते हैं, फिर उनका कंटिन्यू शुरू रहता है ना। तो हमारा हम सबका निवेदन है आपसे कि कम से कम जब स्कूल बच्चियां जाती हैं उस समय कम से कम कोई हमारे पुलिस भाई के चौराहे में खड़े हो जाए या पान के ठेले में खड़े हो जाए, और जिस तरह की ऐसी कोई हमको लग रहा है कि जो संवेदनशील जहाँ पर जगह है वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिले, ये हम लोगों की अपील है आप लोग से, निवेदन भी। गाँव की सुरक्षा को लेकर निर्भीकता का माहौल पैदा किए जाने के निरंतर प्रयास किए जाएंगे। ज्ञापन के दौरान माहिष्मती सर्वांगीण विकास समिति मंडला की कल्पना राजू अध्यक्ष, शशि पटेल सचिव, कमला टांडिया, शिखा श्रीवास्तव, सुनीता सोनी, संगीता दुबे, अनन्या गोलवरकर, किरण ठाकुर, सीमा तिवारी, मनीषा शिववंशी, अंजलि मिश्रा, लक्ष्मी पटेल, ममता चौरसिया, सीमा अग्रवाल, हेमलता झरिया आदि उपस्थित रही। निर्भया मोबाइल के लिए हमारे पास एक मोबाइल गाड़ी है जिसमें हम अपने बल के साथ प्रतिदिन स्कूल लगने और छूटने के समय पे लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अगर जैसे अवांछित तत्व जो खड़े रहते हैं उनको भी वहाँ से हटवाया जाता है, और स्कूल के जो स्टाफ अगर बाहर खड़ा रहता है उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर ऐसी कोई भी अगर गतिविधि होती है तो वो उससे भी हमको सूचित करेंगे। दूसरी कुछ ऐसे हमारे पास स्पॉट्स हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों के जमावड़े होते हैं और खड़े होने के जगह भी हैं, तो वो भी हम वहाँ पे भी लोगों को, अनवांटेड लोगों को भी हटाते हैं, और लोगों को भी समझाइश दी है कि जो फालतू के लोग खड़े रहते हैं उनको भी ना वहाँ पे खड़े होने दें। और हूटिंग वगैरह कुछ होती है तो जगह जगह पे हमने अपने खुद के, मैंने पर्सनल मोबाइल नंबर भी छात्र छात्राओं को दिए हैं जागरूकता और जनसंवाद में, तो वो कॉल करके और अगर ऐसी कोई भी जानकारी है या फिर ऐसी कोई परेशानी होती है तो वो मुझे सूचित कर सकते हैं और बता सकते हैं। अभी महिलाएं और लड़कियों विशेषकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ निर्भया पेट्रोलिंग मोबाइल चल रही है जिसमें एक लेडी सब इंस्पेक्टर और उनके साथ बल रहता है। इसके अलावा 3 FRV भी चल रही हैं। FRV 1-2 शहर में है और नंबर 3 जो है वो महाराजपुर में है, और 2-3 थाना मोबाइल भी हैं, और हमारी स्क्वाड भी चल रही है जो ड्यूटी में रहते हैं, अलावा मोटरसाइकिल से भी घूमते हैं। इन सबको विशेष हिदायत दी गई है कि जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ के आसपास जब लड़कियों का, बच्चियों का स्कूल लगने का, छूटने का टाइम होता है, कॉलेज लगने का, छूटने का टाइम होता है, या कोचिंग लगने का, छूटने का टाइम होता है, तो अपने पेट्रोलिंग करते रहें। जो जहाँ कहीं कोई असामाजिक तत्व मिलते हैं उन पर निगरानी रखें और उनको समझाइश दें कि ये बच्चियों के आसपास ना बन रहा है, और अनावश्यक किसी पान ठेले में, होटल में देर समय तक खड़े रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने SDO साहब को ज्ञापन देने आए थे कि जब स्कूल बच्चों के स्कूल लगते हैं 10 से 11 बजे और छूटते हैं स्कूल 4 से 5 बजे, उस समय वो बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर जैसे चौराहा हो गया, गुमटी हो गया, पान के ठेले हो गए या ऐसे असामाजिक तत्व जो वहाँ पर बैठे रहते हैं या लड़कियों को छेड़ते हैं जिससे उनको परेशानियाँ होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो पुलिस व्यवस्था वहाँ पर तैनात करें।